नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ, क्लेम करने के टाइम में अगर आपके पास इसी तरीके से एरर आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना है, सारे डिटेल्स में मैंने यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। जिन मेंबर को यहाँ पर पता नहीं है ये वाले एरर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लेम करने के लिए जाते हो, चाहे यहाँ पर एडवांस हो गया, चाहे यहाँ पर फुल एंड फाइनल मतलब फ्रॉम 19 हो गया, 10C हो गया, अगर आप यहाँ पर फिल करने जाते हो आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से एरर आ जाता है। जैसे ये वाले एरर आ जाता है वैसे ही आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ पाता है। जब तक यहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा तो अब तक आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हो, आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1-2 घंटे आपको वेट करना है या 1-2 दिन भी यहाँ पर टाइम लग सकता है। बहुत बार यहाँ पर देखा गया है जितने बार भी एरर आया है यहाँ पर 1-2 दिन टाइम लगा है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है 1-2 दिन या 2-4 दिन आपको यहाँ पर वेट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं हम क्या हमारे यूएन अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बता देता हूँ कोई भी आपके यूएन अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ी देर वेट करना है। आप 1-2 घंटे भी हो सकता है, कोई इसका फिक्स टाइमिंग नहीं है जो यहाँ पर 1-2 घंटे में क्लेम हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वेट करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2-4 घंटे भी टाइम लग सकता है, यहाँ पर 2-4 दिन भी टाइम लग सकता है, आपको इंतजार करना है। आपके यूएन अकाउंट बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहा है क्या हम यहाँ पर उमंग ऐप के थ्रू पी एफ का पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर उमंग ऐप को ओपन कर दो, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर गेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से आपके पास एरर आ जाएगा, चाहे यहाँ पर एडवांस हो गया, चाहे यहाँ पर फुल एंड फाइनल मतलब फ्रॉम 19 10C अगर आप फिल कर दो आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी नहीं आ पा रहा है। अगर आप उमंग ऐप के थ्रू ट्राई करते हो तो भी आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाएगा। पीएफ के साइट पर जाके अगर आप ट्राई करते हो तो भी आपके पास एरर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए जाते हो तो भी आपके पास इसी तरीके से एरर फिलहाल यहाँ पर आ रहा है। मोबाइल नंबर चेंज करने के टाइम पर भी यहाँ पर एरर आ रहा था, फिलहाल यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करने चाहते हो, ईमेल आईडी चेंज करने चाहते हो, यहाँ पर आसानी से अभी फिलहाल हो रहा है। अगर आप करने चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे काम यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। जहाँ पर ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना होगा वहां पर अभी फिलहाल एरर आ रहा है, लेकिन हर जगह एरर नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, 1-2 घंटे भी हो सकता है, 1-2 दिन भी यहाँ पर टाइम लग सकता है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।